बीच रिएक्ट लगभग लगभग 10 मिनट के आसपास आ चुका है, मतलब 10 मिनट के बहुत ही क्लोज है, और उसके जो व्यूज़ हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसा क्या हुआ है कि मिस्टर बीस का जो चैनल का मेन फैक्टर है वो किस वजह से इतनी जल्दी ग्रो हुआ है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ मिस्टर बीस के बारे में। देखो मिस्टर बीस एक जाना माना नाम था ऑलरेडी, लेकिन जब मिस्टर बीस चैनल इतना आगे नहीं गया था तब भी इन्होंने अपना बात चैनल खोल रखा था बीस रिएक्ट का, तब इन्होंने उस पर एक दो वीडियोज डाली थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस पर वीडियोज़ नहीं डाली थी क्योंकि फिर ये मेन चैनल पर लग गए थे, इनका पूरा फोकस मेन चैनल के ऊपर था और बाकी इनके चैनल्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन अभी के फिलहाल आप ये समझो कि जो बीस रिएक्ट है वो यूट्यूब की बेस्ट वीडियोज़ को रिएक्ट करता है, ये आपने देखा होगा है ना। लेकिन इनका जो वो है मतलब इनकी जो टीम है जिनकी वो वीडियोस ढूंढती है यार, वो बहुत ही अमेजिंग वीडियोस होती हैं और ये एकदम से पैसे मतलब पैसे को इनका कंटेंट होता है, ये एकदम पैसे वाली चीज़ दिखाते हैं कि लोग उस पर क्लिक करते करते हैं और इनका कोई वेस्ट वेस्ट टाइम नहीं करते, सीधा ही मुद्दे पर आए थे। अब जो इनकी मेन जो पुरानी वीडियो है मतलब एक दो दिन पहले जो उन्होंने डाली है वीडियो, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ आ गए गाइस, और जबकि 9 मिलियन सब्सक्राइबर, जबकि ऐसा होता है कि अगर किसी के चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो उसके 3 या 4 या 5 मिलियन ही आते हैं 3 दिन में, शुरुआत के 3 दिन में 3 या 4 मिलियन ही आते हैं। लेकिन मिस्टर बीस का ऐसा नहीं है क्योंकि मिस्टर बीस की वीडियो भी वायरल गई है। अब ऐसा देखो मिस्टर बीस हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब के बारे में जानते हैं, मतलब कि बने ही यूट्यूब के नहीं और एक जीनियस है यूट्यूब के, लेकिन फिर भी इनके टीममेट जो है मतलब लाइक कार्ल, इनके चैंडलर, इनके जो दोस्त हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये आपको जाएंगे शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन सिर्फ ये जो ग्रोथ हुई है ये पिछले 4 महीने में हुई है, ये 10 मिलियन तक जो हुआ है मतलब कुछ मिलियन थे लेकिन जो एकदम मेन हुआ है ना वो सब 4 मिलियन में ही हुआ है, 4 महीने में हुआ है, ये सारे 5-6 मिलियन जो है ना 4 महीने में ही गेन किए हैं, बल्कि 7-8 मिलियन बल्कि, और ये बहुत बड़ी बात है यार है ना, कोई कम बात तो है नहीं। अगर आप भी ऐसे कुछ ऐसा अपना चैनल वगैरह चाह रहे हो, जैसे समझ लो मैं हूँ मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं लेकिन आपके भी नहीं आ रहे, तो आप मिस्टर बीस से ये तो सीख सकते हो कि मिस्टर बीस ने पहले अपना मेन चैनल बनाया है, मतलब पहले अपना एक नाम बनाया कि हाँ मिस्टर बीस अब नाम नहीं एक ब्रांड है, वो जिस भी चैनल पर काम करता है वो चैनल ग्रो होता ही होता है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाता है वो हर चीज़ों को लेके। तो हाँ यार यही है कि पहले एक चैनल पर पूरा फोकस है, और जाहिर सी बात है इनकी कामयाबी का कुछ ये भी है कि इनका मेन चैनल पर इनका नाम था और मिस्टर बीस की शक्ल तो सबने देख ही रखी है कि बहुत फेमस है, तो उस पर थंबनेल पे लगाने थोड़ी और आसानी हुई थी कि हाँ ये मिस्टर बीस है। लेकिन एक अच्छी बात है जो मिस्टर बीस नहीं करते कि वो अपने मेन चैनल पर किसी भी चैनल का लिंक नहीं देते कि ना कभी कहते कि जाकर सब्सक्राइब करो ये वाई चैनल को या वाई चैनल को, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जो ऑडियंस जिसको इंटरेस्ट होगा वो सच में सब्सक्राइब करेगी, लेकिन ऑडियंस अगर मेरे से बहुत ज़्यादा वो करती है तो वो सब्सक्राइब कर देगी वीडियो नहीं देखेगी। लेकिन मिस्टर बीस ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ चैनल फीस से कर देते हैं कि हाँ ये मेरा चैनल है और बाकी सब ये वीडियोज़ डालते हैं, मतलब गाइस बहुत सारे चैनल में एक हफ्ते में बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं कि चैनल पर आपको मानना पड़ेगा कि हाँ इनका पूरा दिन किसमें ही जाता होगा, पूरे प्रोडक्शन हाउस में ही रहते होंगे अपने कि आप इस पर डालनी है उस पर डालनी है। और मेन चैनल का रीज़न ये है कि मिस्टर बीस बहुत ज़्यादा फाइनली कंटेंट ढूंढते हैं।